की मॉर्निंग एक सूचना मिली कि एक माता जी जो 80 से ऊपर साल की हैं और रूटीन में 40 साल से गंगा में स्नान करने के लिए जाया करती थी और उस दिन नहीं लौटी हैं, उस पर एक मिसिंग का मुकदमा कायम हुआ और लगातार पुलिस खोजबीन में थी कि 6 तारीख को इनकी डेड बॉडी मिली जो कटी हुई थी गले से। लगातार कोशिश की जा रही थी इसके पीछे वजह का, तो कोई मोटिव भी इस्टेब्लिश नहीं हो रहा था इनके हत्या के पीछे, क्योंकि इनके पास न पैसा था न कोई ज्वेलरी थी। फिर जितने लोग उस पर कैमरों में आते जाते दिखाई पड़े, लोगों से पूछताछ में वो सभी से पूछताछ चल ही रही थी कि तब तक दो घटनाएं शंकरगढ़ में होती हैं, वहाँ पे 9 तारीख और 10 तारीख में वहाँ भी इसी तरह के मोटिवलेस दो मर्डर हुआ। लोगों ने बताया कि वहाँ पे एक पागल दिखाई पड़ता था जो अब नहीं रह रहा है यहाँ पे। वो एक मोबाइल, वहाँ एक लड़के के मर्डर के बाद उसकी मोबाइल पॉकेट में डाल लिया था, ये वो मोबाइल चलता हुआ कुछ देर तक जब तक उसमें बैटरी थी तब तक पड़ा रहा इसके पास, तो उसमें कुछ सिग्नल्स पड़े आते रहे, मोबाइल पे मैसेज आते रहे, तो इसका लोकेशन फिर कीटगंज क्षेत्र में लोकेट हुआ। उसी आधार पर इसकी खोजबीन चल रही थी कि रात में पकड़ा गया है। इसने बताया कि बस अकेले पाते हुए किसी को मार देता है और उसके पीछे कोई वजह नहीं है, कोई लूटपाट नहीं है, बस ये थोड़ा दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, निश्चित तौर पर हम इसको पागल ही कह सकते हैं। और ये पारिवारिक पृष्ठभूमि इसकी थोड़ी डिस्टर्ब है, फादर की डेथ होने के बाद माँ कहीं चली जाती है, दूसरे के साथ शादी कर लेती हैं, इसकी पत्नी भी अपनी इनको छोड़ करके दूसरे के साथ रह रही है बच्ची को लेकर के, तो अकेले ये घूमता है इधर उधर, कहीं बैठ के कहीं खा पी लेगा, कहीं पड़ा रहेगा, और इस तरह से बताया कि कहीं कोई मिलता है अकेले तो इसको गुस्सा आ जाती है देख करके और ये मार्डर कर देता है। निश्चित तौर पे ये ब्लाइंड केस थे तीनों और इसका पकड़ा जाना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ये और लोगों के साथ घटना करता। ये बड़ी कामयाबी है, इसमें कीटगंज, शंकरगढ़ और ये एसओजी प्रभारी जो हमारी सिटी की है वो बहुत अच्छा काम की।